অ্যালার্জি ফ্রম ফুড। হ্যাঁ, ইন দ্য ডিসকাশন অন এয়ারবর্ন ডিজিজ ইউ হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট ভ্যারিয়াস অ্যালিজেন্স অ্যান্ড দ্য অ্যালার্জিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দেম, যেসে কুচকুচ ফুড ডাস্ট इसमें से क्या होता है, एलर्जी होता है कुछ खाना खाने से, जैसे ब्रिंजल एग है, क्रैप, ये सब खाने से बहुत जन को एलर्जी होता है। एलर्जी मतलब बॉडी में लाल लाल स्पॉट दिखाई देता है, खरोच आता है बॉडी में और जलन सा होता है। तो ऐसे डस्ट में भी एलर्जी होता है बहुत जन को, जैसे डस्ट जब नोज के द्वारा बॉडी के अंदर जाता है तो सर्दी काशी ऐसा हो जाता है। तो ये जो एलर्जी है ये एलर्जेंस के द्वारा होता है, जो जर्म है, जो डस्ट पार्टिकल है। तो समटाइम्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सम फूड यू मे हैव फेल्ट एंड इचिंग सेंसेशन इन योर थ्रोट, अर्थात जो गला है, थ्रोट है, वहाँ पे थोड़ा इचिंग सेंसेशन होता है, तो थोड़ा जलन सा होता है, और जब कुछ खाना खाते हो तो वहाँ पे पेन होता है। समटाइम्स रैशेज मे हैव अपीयर्ड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर रैश दिखाई देता है। दिस मे बी द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कॉज्ड बाय द एलर्जेंस प्रेजेंट इन सच फूड आइटम्स, कुछ एलर्जेन सब्सटेंस है जिसके द्वारा ये एलर्जी होता है। आवर इम्यून सिस्टम समटाइम्स रिएक्ट्स टू डिफरेंट प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। इम्यून सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोटीन में रिएक्ट करता है। समटाइम्स इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड आइटम्स लाइक प्रॉन एंड ब्रिंजल अनइजीनेस सेट्स इन द बॉडी, ये खाना खाने से बॉडी में एक अनइजी फील होता है, जैसे कैसे वोमिटिंग आता है, कैसे खरस सा आता है बॉडी में, हैं, और गला में दर्द हो जाता है, कुछ खाने से तकलीफ होता है, ये सब अनइजीनेस फील करते हो। तो एलर्जिक रिएक्शन में ऑकर ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक फूड और ड्रग, कुछ कुछ मेडिसिन दवाई से में एलर्जी होता है। इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट काटने में भी होता है। एलर्जी इज बेसिकली द रिस्पॉन्स जेनरेटेड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन आने से ये ज़्यादा होता है। बॉडी के अंदर तो प्रोटीन है, कुछ खाने में भी प्रोटीन है, लेकिन कुछ अलग सा प्रोटीन जो खाने से क्या होता है, एलर्जी होता है। सब खाना सबको सूट नहीं करता है, जैसे ब्रिंजल तो बहुत जन खाता है, लेकिन किसी को एलर्जी होता है और किसी को एलर्जी नहीं होता है। प्रॉन तो बहुत जन खाता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। वी विल डिस्कस अबाउट फूड रिलेटेड एलर्जी ओनली। तो जैसे पेज नंबर 303 खुलो, पेज नंबर 303, हाँ, वहाँ पे क्या है, जैसे एक में से एलर्जी होता है, मस्टर्ड, प्रॉन, क्रैब, स्नेल्स, ऑयस्टर्स, डेयरी प्रोडक्ट में भी होता है, व्हीट, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, मील, अलग अलग टाइप का एलर्जी अलग अलग टाइप का पर्सन को होता है, सबको एक ही खाना से होती नहीं, किसी को ब्रिंजल खाने में होता है, किसी को एक खाने में होता है, किसी को प्रॉन खाने में होता है, सब खाना सबको सूट नहीं करता है। तो कॉमन सिम्टम्स एलर्जी फ्रॉम फूड, जैसे रैशेस ऑन स्किन के ऊपर रैश दिखाई देता है, इचिंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, पूरा बॉडी में जैसे खरोच सा आता है, और जैसे इंजेक्शन का जो सुई है वो देने के बाद जैसे जलन सा होता है, ऐसे जलन सा फीलिंग होता है पूरा बॉडी में। स्वेलिंग ऑफ लीफ फूल जाता है,
थ्रोट एंड टांग, थ्रोट गला में खरस आता है, फूल जाता है, टांग एकदम रेड हो जाता है, अनइजीनेस इन थ्रोट, गला में अनइजी फील करता है, जब कोई खाना खाता है तो गला में थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, रेडनेस इज आई एंड फेस, आँख में और मुंह फेस में रेड कलर आ जाता है, लाल हो जाता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प अर्थात एब्डोमेन में दर्द होता है, पेन होता है, और डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशन, बार बार पॉटी टॉयलेट में जाना पड़ता है, बार बार पॉटी होता है, तो ये सब सिम्टम होते हैं एलर्जी का। तो एलर्जी का रिमेडी क्या है? एक तो मेडिसिन है, दूसरा जो खाने से एलर्जी होता है वो खाना अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और फूड एडल्टरेशन, यू ऑफन हियर अबाउट एडल्टरेटेड फूड, एडल्टरेटेड फूड मतलब क्या है? जो पेज नंबर 304, व्हेन समथिंग इज एडेड टू द फूड दैट लोअर्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, कुछ खाने के अंदर जब कुछ मिलावट किया जाता है तो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लो, कम हो जाता है। व्हेन इंस्टेड ऑफ सम नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स सम चीप एडिटिव इज मिक्स्ड विद द फूड, तो जब महंगा होता है, जैसे दूध, दूध के अंदर कुछ पानी मिलाया जाता है, जैसे कुछ जो संदेश मिठाई बनाया जाता है उसके साथ थोड़ा सा फ्लावर मैदा मिक्स किया जाता है, तो ऐसा बहुत सारा, जैसे सरसों का तेल के अंदर आजीवन का सीड से जो निकलता है वो मिलाया जाता है, तो ये मिलावट करने के बाद क्या हो जाता है, फूड का टेस्ट भी बढ़ जाता है, कलर भी अच्छा हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत खतरनाक है। When some harmful additive is added to the food to make the food look more attractive, or some additive is mixed with the food to bring a desirable flavor, food में एक flavor आता है, उसका taste भी अच्छा होता है, the disease that result from ingestion of such adulterated food are also a type of foodborne disease. तो ये खाना खाने से क्या होता है, बहुत सारा डिजीज फैलता है, बीमार फैलता है, तो इसीलिए है इसे क्या कहता है, foodborne disease. Now you have probably understood which food items can be termed as adulterated. कौन सा फूड में मिलाया जाता है, जैसे बिरयानी में मिलाया जाता है कुछ कलर, कुछ सब्सटेंस, और बहुत सारा खाना बनाने के टाइम पर जो होटल में बेचता है वहाँ पे थोड़ा जो मसाला मिलाया जाता है, और येलो कलर, ग्रीन कलर, जो जो कलरफुल मिठाई है, कलरफुल फूड है, बहुत सारा कलर मिलाया जाता है। और यहाँ पे देखो एजिनोमोटो is added to chow mein and chili chicken to impart a meaty flavor to this item. Ajinomoto milaya jayega to meat jaisa flavor aayega, usme se khane ka taste bada deta hai, lekin ye ek khatarnak hai, isme se cancer bhi ho sakta hai, itna khatarnak hai. Prolonged use of ajinomoto may have harmful effects ऑन द ब्रेन सेल्स ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ब्रेन सेल में इफेक्ट कर सकता है यंग चिल्ड्रेन का। और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग सच हार्मफुल एडिटिव कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो कॉज किडनी diseases and may even cause cancer. किडनी खराब हो जाता है इसमें से ज़्यादा खाने से। और जैसे बहुत सारा लिक्विड फ्रूट जूस है उसके अंदर भी आर्टिफिशियल कलर टेस्ट सब मिक्स किया जाता है, वो तो ओरिजिनल फ्रूट जूस नहीं है, 50 रुपीज़ में मिलता है इतना बड़ा फ्रूट जूस का बॉटल, तो ओरिजिनल फ्रूट जूस हो सकता है, फ्रूट कितना महंगा है,
तो उसमें जो कलर मिक्स किया जाता है, जो है लिक्विड मिक्स किया जाता है, वो बहुत खतरनाक है। उसमें से बहुत सारा बीमार पर नर्वस सिस्टम भी नष्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। चीप फूड कलरेंट्स आर ऑफन मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक कोल टार। कोल टार से, जैसे कोयला का जो टार कोयला से मिलता है एक सब्सटेंस, उसमें से मिलाया जाता है। डू यू नो दैट द वेरियस डाइज यूज ड्यूरिंग होली कैन कॉज प्रॉब्लम ऑफ योर स्किन। होली में जो रंग खेला जाता है उसके साथ जो सब्सटेंस मिलाया जाता है, उसमें से स्किन का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा हैं ज़्यादा महंगी वाला जो कलर है उसको यूज़ करना चाहिए। जो जिसका कीमत कम है वो यूज़ करेंगे वो कलर होली में, तो स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है। तो देयर आर वेरियस परमिटेड फूड कलरेंट्स आर कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट। ऑल्दो सच कलरेंट्स आर समवाट कॉस्टली, बट दे आर यूज इन प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट रिड्यूसेस द हेल्थ रिस्क ऑफ द कंज्यूमर। तो जो जो कलर में कुछ हार्म नहीं होता, जैसे टर्मेरिक, टर्मेरिक मिलाओगे खाने के साथ तो उसमें क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चिली जो है, चिली पाउडर, वो मिलाया जा सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल कलरिंग है वो नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे कुछ सीड दिखाया, कलर ऑफ सीड इज नॉट सो ब्लैक ब्लैक। ये सब ब्लैक पेपर के साथ मिक्स किया जाता है, ब्लैक पेपर तो बहुत महंगी है, तो इसके साथ ये सब कलरिंग छोटा छोटा सीड, जैसे पपाया का जो काला काला सीड है वो भी मिलाया जाता है। आर्जिमन सीड्स आर डार्कर देन मस्टर्ड सीड, द सरफेस ऑफ आर्जिमन सीड्स इज स्मूथ एंड द इंटीरियर इज व्हाइट इन कलर। जो मस्टर्ड के साथ मिलाया जाता है आर्जिमन सीड। नेक्स्ट पेज, ड्रॉपसी सीवियरली डैमेजेस स्किन एंड ऑर्गन्स लाइक लीवर, लंग्स, किडनी एंड हार्ट। ड्रॉपसी एक डिजीज है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सच एडल्टरेटेड मस्टर्ड ऑयल कॉज ए डिजीज कॉल्ड ड्रॉपसी। आर्जिमन सीड जब मिलावट किया जाता है तब उसमें से जो ऑयल एक्सट्रैक्टेड होता है, जैसे सरसों का तेल जो बनाया जाता है, तो उसमें से जो आर्जिमन सीड मिलाया जाता है तो उसमें से एक डिजीज होता है जिसे कहता है ड्रॉपसी। तो ड्रॉपसी सीवियरली डैमेजेस स्किन एंड ऑर्गन्स लाइक लीवर, लंग, किडनी, हार्ट। इसीलिए सरसों का तेल जो अच्छा क्वालिटी का है, जैसे इंजिन है, सनफ्लावर, सफोला, ये सब यूज़ करना चाहिए। इमामी, कच्ची घनी, तो कम जो महंगे वाला ऑयल में क्या होता है, आर्जिमन सीड मिलाया जाता है जिसमें से ड्रॉपसी ये डिजीज हो सकता है। और ड्रॉपसी जब होगा तो लीवर, लंग, किडनी सब खराब हो जाएगा, हार्ट। द सिम्टम्स ऑफ ड्रॉपसी आर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होता है, डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशन होता है, नाउसिया मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी आता है, जो भी खाओगे जैसे वॉमिटिंग होने का इच्छा होता है, फीवर, बुखार भी होता है, एंड इवन कॉज फेलियोर ऑफ हार्ट, हार्ट फेलियोर होता है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, लीडिंग टू डेथ, मर जाता है। इन द रिसेंट पास्ट देयर हैव बीन सेवरल आउटब्रेक्स ऑफ ड्रॉपसी इन इंडिया, मेनी पीपल डाइड फ्रॉम ड्रॉपसी। दिल्ली में 1998 में हुआ था एक बार, ग्वालियर में 2000 में, कौनज में 2002 में, और लखनऊ में 2005 में ड्रॉपसी का इफेक्ट हुआ था। लैदरिज्म देखो, लैदरिज्म पाउडर खेसारी डाल इज मिक्स्ड विथ, बिकॉज खेसारी डाल इज वेरी चीप। खेसारी एक डाल है, वो डाल के साथ मिलावट किया जाता है, तो खेसारी डाल बहुत सस्ता है, तो इसमें से कंटिन्यूड इनटेक ऑफ
substantial amount of khesari dal for 2 to 3 months can cause progressive spastic paralysis. Paralysis हो जाता है. This is latherism. इसे कहता है latherism. Latherism has been observed in Ethiopia, Bangladesh, India and Afghanistan. ये सब जगह में ज़्यादा होता है क्योंकि जहाँ पे खेसारी डाल ज़्यादा मिलता है. खेसारी डाल बहुत सस्ता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का है. वो जो महंगी डाल है उसके साथ मिला देता है. किसी को मालूम नहीं होगा, वो जब खाएगा तो उसमें से ये बीमार हो सकता. मेटानील योलो, देखो मेटानील योलो हो योलो कलर, हाँ, जो लड्डू में मिलाया जाता है और कैंसर होता है इसमें से. मलाकाइट ग्रीन, ग्रीन कलर, बीटर गार्ड, ग्रीन चिली इसमें से लगाया जाता है और इसमें से भी कैंसर हो सकता है. ये मेटानील योलो, मेलाकाइट ग्रीन, ये सब ये होच्छे फूड एडल्ट्रेशन. कॉम्प्लीटेड.